गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब हम लोग सेल्स थ्योरम पढ़ लिए, उसका कोरोलरी पढ़ लिए, और अब है कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है? उसका उल्टा होता है। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर एक लाइन किसी ट्रिंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरा लाइन खींचते हैं तो दो साइड को सेम रेशियो में काटता है, और इसमें उल्टा है कि इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी कोई लाइन डी जो है अदर टू साइड्स को एबी और एसी को सेम रेशियो में काटता है तो ये पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच डी इज ए लाइन व्हिच डिवाइड्स अदर टू साइड्स एबी एंड एसी इन सेम रेशियो, यानी AD बटा DE इक्वल टू AE बटा EC, तो DE BC के पैरेलल होगा। तो सेल्स थ्योरम में हम लोग क्या किए थे? कंस्ट्रक्शन किए थे। उसमें क्या किए थे? कंस्ट्रक्शन किए थे, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन को प्रूफ के साथ ही एड कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन प्रूफ के साथ कर देते हैं, इसलिए प्रूफ में ही लिखते हैं इफ पॉसिबल देन लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, तो एक दूसरा लाइन DF BC के पैरेलल खींच लेते हैं। तो आप इस ट्रायंगल ABC में कंस्ट्रक्शन से यानी प्रूफ में ही लेते हैं उसको, DF जो है सो BC के पैरेलल हो गया। तो थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा? AD बटा DB इक्वल टू AF बटा FC। लेकिन हमको दिया हुआ है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। दोनों को कंपेयर करेंगे तब हो जाएगा क्या? कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा AF बटा FC इक्वल टू AE बटा EC। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे कि बराबर अंक दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, बराबर में बराबर जोड़ देंगे तो इक्वल में इक्वल एड कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? एफ सी और ऊपर हो जाएगा नंबरेटर में हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी बाय एफ सी इक्वल टू ए प्लस ए सी बटा ए सी। अब ए एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी बटा एफ सी, और ए और ई सी को जोड़ेंगे तब ये भी हो जाएगा ए सी बटा एफ सी, दोनों कट जाएगा हो जाएगा वन बटा एफ सी इक्वल वन बटा ई सी। अब यहां देखिए ये रेसिप्रोकल हो गया, कोई इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा एफ सी इक्वल टू ई सी, सी सी को भी काट दीजिए तो पॉइंट एफ इक्वल टू ई हो गया, पॉइंट एफ इक्वल टू ई। ये तब भी संभव है कि जब दोनों कंसाइड करे एक दूसरे पर लाई करे। तो हमारा मानना जो था, हम तो मान लिए थे कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, वो गलत हो गया, तो ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। यानी किसी ट्रिंगल में कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में काटेगा तो वह तीसरे साइड के पैरेलल होगा। अब इसके बाद हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर वन में पहला में है ऑल सर्किल्स आर, सभी सर्किल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका शेप जो होगा वह डिफरेंट होगा और साइज शेप जो है सेम होगा और साइज जो है डिफरेंट होगा, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे सिमिलर। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। लाइक वाइज इन क्वेश्चन नंबर टू, वन के टू में है स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थ्री में है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड और सभी एंगल बराबर होता है। फोर में है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो कंडीशन है, अगर सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होगा यानी दे आर इक्वी एंगुलर और देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो फिगर तभी सिमिलर होता है जब वह इक्वी एंगुलर होता है और साइड प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर टू में है टू डिफरेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, देने के लिए कहता है सिमिलर फिगर का, तो स्क्वायर जो है तो हम लोग ले लेंगे, स्क्वायर सिमिलर फिगर हो जाएगा
और रेगुलर हेक्सागोन ले लेंगे या पेंटागोन ले लेंगे, कोई पॉलीगन ले लेंगे तो रेगुलर हो। रेगुलर का मतलब होता है सभी एंगल बराबर हो और सभी साइड प्रोपोर्शनल हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, दो फिगर है, एक पी क्यू आर एस और एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, दोनों का साइड तो प्रोपोर्शनल है क्योंकि रंबस जो है पी क्यू आर एस उसका सभी साइड 1.5 सेंटीमीटर है और स्क्वायर का सभी साइड 3 सेंटीमीटर है, यानी 1:2 के रेशियो में है। साइड प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। एंगल पी क्या है, एक्यूट एंगल है और एंगल ए जो है स्क्वायर का हुआ 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल एंगुलर नहीं है। साइड प्रोपोर्शनल है लेकिन इक्वल एंगुलर नहीं है, इसलिए दोनों जो है सिमिलर फिगर नहीं है। अब एक्सरसाइज 6.2 में है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई जो है सो बीसी के पैरेलल है और साइड दिया हुआ है, इसका तीन पार्ट दिया हुआ है, ए जी दिया हुआ है 1.5 और डी बी है 3 सेंटीमीटर, एई है 1 और ईसी निकालना है। तो थ्रेस थ्योरम से हम लोग जानते हैं डीई पैरेलल टू बीसी, देन एटी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो ईसी कितना निकल जाता है, 2 सेंटीमीटर निकल जाता है। इसी प्रकार आगे की एक्सरसाइज जो इसमें जो है आगे दूसरा सवाल है उसमें वेरीफाई करना है कि गिवन फिगर जो है वह सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो जिसमें सेम रेशियो होगा उसमें फिगर जो है सो सिमिलर होगा, इसमें रेशियो सेम नहीं होगा वह सिमिलर नहीं होगा, इसको वेरीफाई करेंगे सवाल बनाकर कोरोलरी से। चिल्ड्रन इन क्वेश्चन नंबर टू वी हैव 3 प्रॉब्लम्स एंड हैव टू वेरीफाई द गिवन कंडीशन आर सेटिस्फाइड और नॉट। इन फिगर पी क्यू आर व्हिच इज अ ट्रायंगल डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड क्यू आर सच दैट BE equal to 3.9 centimeter, EQ equal to 3 centimeter, BF equal to 3.6 centimeter, and ER equal to 2.4 centimeter. Then we have to show that either EF parallel to QR or not. Check BE but AE equal to 3.9 by 3, that is equal to 1.3, and BF but FR equal to 3.6 but 2.4. equal to 3/2. From 1 and 2 we see that 1.3 does not equal to 3/2 because 3/2 is 1.5 and first is 1.3, therefore they are not equal because implies PE beta EQ does not equal to PF beta FR, and is that proportion to have ratio to have equal nahi hai, is EF to have to give to parallel नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में है कि हमको दिया हुआ है गिवन फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में दिया हुआ है LM पैरेलल टू CB एंड LM पैरेलल टू CD, तो प्रूफ करना है AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। अब इसमें हमको ABC ले लेते हैं, ABC में LM पैरेलल है BC के, तो थ्रेस थ्योरम से हम लोग को हो जाएगा कोरोलरी तुम तो पढ़े थे उसके हिसाब से AM AM बटा AB यानी ये पार्ट बाय होल इक्वल टू ये पार्ट AL बटा AC। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में ACD में LN पैरेलल है BC के, तो ये हो जाएगा इसका पार्ट AN बटा AD इक्वल टू AL बटा AC। अब ये AL बटा AC जो है दोनों में कॉमन है तो दोनों में से खत्म हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा रिजल्ट AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD, यानी हम लोग प्रूफ कर लिए इसको इजीली, कॉमन वाले को हटा देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड डी एफ पैरेलल टू ए डी, तो दिखाना है डी एफ बाई
एबीसी। अब हम लोग लेते हैं पहले ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में दिया हुआ है डीई पैरेलल टू एसी, तो थेल्स थ्योरम से बीडी बटा डीए इक्वल टू बीई बटा ईसी हो जाएगा। फिर ट्रायंगल एबीई में लेते हैं डीएफ पैरेलल टू एई है, तो इससे हमको बीडी बटा डीए इक्वल टू बीएफ बटा एफ ई मिल जाएगा थेल्स थ्योरम से। अब दोनों को जब कंपेयर कर देते हैं तो हमको मिल जाता है डीएफ बटा एफ ई इक्वल टू बी बटा ईसी, जो हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। दूसरा फिगर फाइव में देखिए, फाइव में दिया हुआ है गिवन फिगर है ये एक पीसी वार कोई ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है कि डीई पैरेलल टू की वार, डीई पैरेलल टू की वार एंड डीएफ पैरेलल टू डीएफ, डी ओ आर डीएफ DE parallel to OQ, DE parallel to OQ and DF parallel to OR, DF parallel to OR QR तो हमको प्रूफ करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा, यानी ये DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के, तो EF पैरेलल टू QR प्रूफ करना है। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल POQ में दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ और इससे हम लोगों को थेल्स थ्योरम मिल जाएगा PE PE बटा EQ इक्वल टू PD बटा DO। और दूसरा फिर POR में ले लेते हैं PF पैरेलल टू OR, इससे मिल जाएगा पी एफ बटा एफ आर इक्वल टू पी डी बटा डी ओ थेल्स थ्योरम से। अब दोनों को फिर कंपेयर कर देते हैं तो मिल जाता है हमको पी बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, और इससे जब ये सेम रेशियो में हो गया तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर साबित हो गया। इस प्रकार ये वेरी इजी है, तीन नंबर का क्वेश्चन हुआ और तीन स्टेप में यह बनता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इसी तरह का है, इसको खुद करेंगे फिर हम आगे देखते हैं सेवन।